एवरीवन, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. आई नो दैट्स अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, बट एज यू नो वी आर विद इन एग्जाम्स, सो आई कुडंट गेट द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. बट एज द एग्जाम्स हैव बीन फिनिश्ड, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज फ्रिक्शन. ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द लॉज ऑफ मोशन, the various pulleys and mass problems we have completed. Today we are going to start with the friction topic, and after the completing this chapter we are going to start with the new chapter, and the chapter's name is work energy and power. So let's start with the friction. What is basically friction is? So friction kya hai basically? Kya hai friction? So it can be defined. First of all, फ्रिक्शन लगता है कब है फिर हम उसको डिफाइन करते हैं. तो हम लोग देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कराने की कोशिश करते हैं, इट रिक्वायर्स सम फोर्स टू बी अप्लाइड बाय अस. हम लोग को कुछ उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, हम फोर्स अप्लाई किए फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, तो एक उस पर एक रिवर्स फोर्स लगाने, मतलब ऑब्जेक्ट ये सरफेस उस पर एक रिवर्स फोर्स लगाने का काम करता है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करना शुरू ही कर दे. मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, ये बिल्कुल भी नहीं है. तो क्या होगा, तो जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, इन दैट केस दैट ऑब्जेक्ट कैन मूव, एंड दैट विल डिपेंड वेदर द फोर्स अप्लाइड इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. अगर ये बैलेंस्ड होगा तो नहीं मूव करेगा, अगर अनबैलेंस होगा तो मूव करना शुरू कर देगा. तो अनबैलेंस फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे भाई, तो हमने इस पर फोर्स लगाया एफ. अब ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, इसका ऑब्जेक्ट का मोशन मूव करने की टेंडेंसी रहेगी राइट डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स लग रहा है उधर. तो ये फोर्स, ये सरफेस इस पर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा जो इसके मोशन को अपोज करने का काम करेगा, और ये फोर्स होगा एफ, जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहेंगे. तो बेसिकली हमारे फोर्स लगाने से एक हमारा रिवर्स फोर्स लग जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. तो रिवर्स फोर्स कब लगेगा, तो रिवर्स फोर्स तब लगेगा जब मींस ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव करे ये जरूरी नहीं है. मूव किया चाहे नहीं किया, अगर फोर्स लगा रहे तो रिवर्स फोर्स आ जाएगा, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड द फ्रिक्शन. एंड द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन करता क्या है, तो ये फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने का काम करता है. सो आई कैन डिफाइन द फ्रिक्शन एज the opposing force which comes to play, the opposing force which comes to play when there is a tendency और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, सॉरी टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन, नॉट टेंडेंसी, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट is called friction. तो क्या बोल रहा है कि वो फोर्स जो लगना शुरू हो जाएगा, तो कब लगना शुरू हो जाएगा, तो जब when there is a tendency or relative tendency or relative motion between two objects in contact is called friction. तो जब ऑब्जेक्ट मूव करे या ऑब्जेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी हो, उस केस में जो अपोजिंग फोर्स लगना शुरू होता है उस अपोजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, तो उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं. तो ये हमारा फ्रिक्शन हो गया. ठीक है,
नाउ द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन से नहीं, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट में है उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, कहने का मतलब है इफ देर इज अ ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट ऑन अ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन दैट केस द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन. ओके, बट व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन दैट केस द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन. फाइन, बट लेट अस कंसीडर इफ देर इज अ ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज देर इज अ कार विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन व्हाट शुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग. तो अब हमारा सीधे से कॉन्सेप्ट होगा भाई कि इधर की तरफ एक्ट करेगा. नहीं, इधर की तरफ एक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा भाई? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये उसके व्हील्स हैं, ये उसके व्हील्स हैं, व्हील्स किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं? तो व्हील्स जाने की कोशिश कर पीछे घूमेगा, तो भाई पीछे जाने की कोशिश करेगा ना. तो इसको सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा. नाउ ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में, ये चीज़ बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है भाई कि अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा, ये बिल्कुल भी माइंड में लेके नहीं चलना है. दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू मूव, द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन. ये ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका डायरेक्शन किधर है उस पर डिपेंड करता है. सो हियर वी कैन सी दैट फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन इन द सेम डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. बट हियर वी कैन सी दैट द व्हील इज रोटेटिंग, लाइक व्हील किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उस पर हमको ये फ्रिक्शन फोर्स देखना है. सो दैट इज बेसिकली द फ्रिक्शन इज ऑल अबाउट. ओके, नाउ भाई फ्रिक्शन तो जो है भाई, कहने का मतलब है कि ये आया कहाँ से है? सब है तो कहीं ना कहीं तो आया होगा ना फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आया भाई? फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आया तो देखते हैं. तो भाई काउज ऑफ फ्रिक्शन, तो इस पर बेसिकली दो थ्योरी काम करती हैं. एक है बच्चे वाली थ्योरी है, एक है बड़े वाली थ्योरी. क्लास एट में एनसीईआरटी नाम की बुक है, उस बुक में लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन क्यों एक्ट करता है. तो फ्रिक्शन एक्ट करता है इस वजह से. ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पे ये टच में है. अब भाई ऑब्जेक्ट कितने भी प्लेन क्यों ना होते हैं, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाएं तो हम क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हैं, ये दोनों पॉइंट्स जो आपस में कांटेक्ट में हैं, ये इसमें अप्स एंड डाउन, देयर इज सो मेनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, देयर मे बी सो मेनी डिफॉर्मेशन. यहाँ पे डिफॉर्मेशंस हैं, डिफॉर्मेशंस हैं तो क्या करेगा? तो जब ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना चाहेगा तो डिफॉर्मेशन आपस में ग्रिप कर लेते हैं, आपस में ग्रिप कर लेते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव करे इसके ऊपर, तो उसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा. और ये जो डिफॉर्मेशन है जो इसको रोकने से, मूव करने से रोक रहे हैं, वही एक्ट करते हैं किसकी तरह? तो फ्रिक्शनल फोर्स की तरह. ये बच्चों में, बच्चे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया, यही पढ़ाया गया था हम लोग को, टीचर्स ने यही पढ़ाया होगा तुम्हारे, क्योंकि ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन होता है भाई ये इस सिचुएशन की वजह से. हाँ, तो फ्रिक्शन जो होता है भाई इस वजह से होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. बट क्या होगा
व्हाट इज द एक्चुअल काउज. सो एक्चुअल काउज इज बिट डिफरेंट. ठीक है, सो जो नया काउज है, जो एक्चुअल काउज है, नया काउज जो एक्चुअल काउज वो कुछ अलग है. सो एक्चुअल काउज क्या बोला गया, द बेसिकली द फ्रिक्शन इज नॉट बिकॉज ऑफ द दिस डिफॉर्मेशन, या डैट कैन बी द काउज. ये कुछ हद तक हो सकते हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी डैट दीज डिफॉर्मेशंस कैन बी द काउज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, बट दिस इज द ओनली काउज एंड दिस इज द मेन काउज. नो, ये मेन काउज नहीं है, ये एक फैक्टर हो सकता है बट ये मेन फैक्टर नहीं है. तो मेन फैक्टर क्या है, तो मेन फैक्टर कुछ और है. तो क्या बोला गया, ये जो फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन है इसका रीजन ही कुछ और है. तो क्या रीजन है भाई इसका, तो कहता है कि फ्रिक्शन जो है डेट इज बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाइंडिंग, सॉरी कोल्ड वाइंडिंग, सॉरी कोल्ड वेल्डिंग. मतलब एक वेल्डिंग सुने होंगे, डेट इज हॉट वेल्डिंग. उसमें क्या होता है, गर्म करते हैं दो सरफेस को तो पिघल जाते हैं, पिघल के आपस में चिपक जाते हैं, वेल्डिंग जो होता है. कोल्ड वेल्डिंग भी जब हम लोग यहाँ पर कुछ गर्म ही नहीं करें तो वेल्डिंग कहाँ से होगा, तो इसलिए इसका नाम दिया गया कोल्ड वेल्डिंग. तो बोला जाता है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं तो इनके पॉइंट्स जो आपस में टच में हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ये जो इसके वेट की वजह से जो इसके पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ रहा है, इन प्रेशर की वजह से ये पॉइंट्स जो कॉन्टेक्ट में दे गेट्स कोल्ड वेल्डेड. ओके, दे गेट्स कोल्ड वेल्डेड. ये जब आपस में टच में रहे तो ये क्या हो गया, तो कोल्ड वेल्डेड हो गया, ये आपस में कोल्ड वेल्डिंग इनका हो गया, मतलब आपस में चिपक गया. नाउ इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस ब्लॉक ओवर दैट सरफेस, इन दैट केस आई हैव टू रपच्चर दिस कोल्ड वेल्डिंग. ये जो कोल्ड वेल्डिंग है, इस कोल्ड वेल्डिंग को रपच्चर मतलब तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. ऑब्वियसली जब वेल्डिंग करती हैं तो भाई जब तक उसको हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कहीं डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो वही है यहाँ पे, अगर इसको मूव करना है तब तक हमको इस वेल्डिंग को तोड़ना होगा. तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, तो फोर्स लगाएंगे. जब फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा भाई, जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जब फोर्स लगाएंगे, जब ऑब्जेक्ट मूव किया वेल्डिंग टूटा, और वेल्डिंग तोड़ने के लिए हमने कुछ फोर्स लगाया, और ये फोर्स जो इसने ये जो रुकावट पैदा की इसके मूवमेंट में, इसी को हम लोगों ने बोला कि यही है फ्रिक्शन. ओके, सो नाउ दैट इज द रियल काउज ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट वेल्डिंग विल डिपेंड व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ग्रेटर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेटर विल बी द प्रेशर अप्लाइड. जितना वेट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ऑब्जेक्ट पे, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना स्ट्रांगली कोल्ड वेल्डिंग होगा. और क्योंकि वेल्डिंग स्ट्रांग है, दैट इज अ स्ट्रांग कोल्ड वेल्डिंग, सो दैट विल बी द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन. या ये हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सिंपली इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है उस पर ये डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट. ओके, तो न्यू थ्योरी जो बोलती है, जो नई थ्योरी है, वो क्या कह रही है भाई, कि फ्रिक्शन इस वजह से तो नहीं होता है, होता होगा, डेट मे बी द काउज, बट द मेन काउज इज दिस, डेट इज द फोर्स. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट इज बिकॉज ऑफ दिस, डेट इज द इलेक्ट्रो
सॉरी दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट करते हैं. इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये हमारा फ्रिक्शनल होता है. नाउ अभी फ्रिक्शन हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स ये जो मैक्सिमम होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है. जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, और जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो फ्रिक्शन फोर्स घट जाता है. द फ्रिक्शन फोर्स गेट्स रिड्यूस व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग, एंड सिंस स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सर्फेस द फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूसेस. वाई इट रिड्यूसेस? क्योंकि जब ये मूव करना शुरू कर देगा तो ये जो कोल्ड वेल्डिंग है डेट इज वॉट जनरेटेड बिकाउट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको वेल्ड होने में टाइम लगता है, और क्योंकि ऑब्जेक्ट लगातार मूव कर रहा है वेल्डिंग होने में दिक्कत है, वेल्डिंग नहीं हो पा रही है, और वेल्डिंग नहीं हो पा रही है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स घट जाएगा. ओके, सो डैट इज द एक्चुअल काउज ऑफ फ्रिक्शन. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया. अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं सर भाई ये तो भाई हम 8वां क्लास में जो पढ़े थे हम वही मानेंगे, ये बात कैसे मानेंगे, तो हम लोग उसके एग्जांपल देख लेते हैं. भाई एग्जांपल में देखते हैं, अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन होगा ज़्यादा, ठीक है ना. और अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन होगा कम. ये होना चाहिए, ठीक है ना. रफ, जितना रफ सरफेस हो फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा, जितना स्मूथ सरफेस हो फ्रिक्शन उतना कम होगा, ठीक. अगर ये बात है तो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं उस पे जो ब्रेक शू लगे रहते हैं, इसका जो सरफेस होता है और इसका जो सरफेस होता है ये एकदम स्मूथ होते हैं. अब अगर ये एकदम स्मूथ है तो फ्रिक्शन कहाँ से लगेगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं लगा तो ट्रेन कहाँ से रुकेगा. ये तो सिचुएशन आ गया ना. अगर हम बोल रहे हैं कि रफ रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, तो रफनेस प्लेज अ रोल, इम्पोर्टेंट रोल. रफनेस प्लेज अ वाइटर रोल, बट रफनेस इज द काउज. नो, दैट इज नॉट अ काउज. यहाँ पे रफनेस, सरफेस स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो गया, तो फ्रिक्शन बढ़ गया. सरफेस स्मूथ हो गया तो क्या हो गया, तो फ्रिक्शन बढ़ गया. तो दैट इज बिकाउज जैसे जैसे सरफेस जितने स्मूथ, नेचर पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का सरफेसेस है, और इफ द सरफेस इज मेड एक्स्ट्रा स्मूथ द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेज. बाउंडिंग, ये ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में आएंगे, अब ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉन्टेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है. कहीं भी देखोगे जहाँ पे ब्रेक लगाने वाले डिवाइसेस रहते हैं, डिस्क ब्रेक में भी देखते हैं तो डिस्क भी काफ़ी स्मूथ रहता है. सब सरफेस ही स्मूथ रहते हैं जहाँ पे हमको ब्रेक्स लगाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है. आई होप योर डाउट्स आर गेटिंग क्लियर. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. पहला है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक नाम से ही समझ में आ रहा है भाई क्या, कि रेस्ट. तो जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा हो, और तब जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस एंड अ फ्रिक्शन इज एक्टिंग बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट
ओके द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस एंड द फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट इन दैट केस द फोर्स द फ्रिक्शनल फोर्स हियर दैट शुड बी द स्टैटिक फ्रिक्शन. इसका मतलब क्या है कि क्या मतलब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर हम रख देंगे तो फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा. इसने मैंने इस पर रख दिया तो क्या फ्रिक्शन काम कर रहा है? नहीं, इस पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है. तो मतलब इस पर मोशन की टेंडेंसी होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा होना चाहिए उस पर, तभी जाके ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. और तब तक ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक कहलाएगा जब तक ये ऑब्जेक्ट मोशन में ना आ जाए. मतलब इफ दिस ऑब्जेक्ट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग दैट मीन्स द फ्रिक्शन शुड ऑल्सो बी 10 न्यूटन. इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी तो मूव नहीं कर रहा. अगर ये 20 न्यूटन हो गया ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स भी 20 न्यूटन हो गया. अगर ये 30 न्यूटन हो गया ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो ये 30 न्यूटन हो गया. बट लेट अस कंसीडर दैट एट 31 न्यूटन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग. अगर 31 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दिया तब फ्रिक्शनल फोर्स अब 31 न्यूटन ना रहा, कम हो गया, तभी जाके ये मोशन स्टार्ट हुआ है. क्लियर है? सो द ऑब्जेक्ट विल मूव ऑन द सरफेस, द ऑब्जेक्ट विल मूव ऑन द सरफेस टिल द ऑब्जेक्ट विल मूव ऑन द सरफेस टिल देर इज रिलेटिव मोशन, सॉरी रिलेटिव मोशन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. जब तक मूव नहीं किया तब तक जो फ्रिक्शनल फोर्स काम किया उसको हमने बोल दिया कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है भैया. ठीक है? नाउ वन मोर थिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल. भाई तो ये एडजस्ट करने वाला भाई है, ये खुद से एडजस्ट करता है, ये खुद से एडजस्ट कर लेता है. 5 न्यूटन लगाओगे तो भाई ये भी बोलेगा हम भी 5 न्यूटन हो जाएंगे, 10 न्यूटन लगाओगे तो बोलेगा हम भी 10 न्यूटन हो जाएंगे. जितना फोर्स लगाओगे उतना न्यूटन हो जाएगा, तब तक तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उसके बाद नहीं हो पाता है. ठीक है? मतलब द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन अ पर्टिकुलर लिमिट एंड दैट लिमिट इज नोन एज FL. एक पर्टिकुलर लिमिट पे जाके रुक जाता है. ठीक है? दूसरा को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन, सो व्हाट इज दिस? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. The maximum value of frictional force is called limiting friction. The maximum value of frictional force is called limiting friction. Sorry. वैसे तो एक reality भी है, ये maximum value ही हुआ. But it should be not a maximum frictional force, it has to be maximum value of static friction. ये भी सही है. Static friction के maximum value को हम लोग limiting कहते हैं. मतलब ये भाई static friction का limit है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. Okay? तो जो friction का maximum value हो सकता है, the maximum value of the frictional force, that maximum value will be known as तो स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है? सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन. तीसरा, काइनेटिक फ्रिक्शन. सो व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट then at that time the frictional force acting, the frictional force acting at the moment when there is a relative motion between two objects in contact is known as kinetic friction.
ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं उनके बीच का जो मैक्सिमम, जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं और वो मोशन में हैं तो उनके बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, नॉट स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू तो जीरो भी हो सकता है बट काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। बट काइनेटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट्स मोशन में आ जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स मूव करना शुरू कर देते हैं, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। सो आई कैन से डैट द मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, वॉट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लियर। नाउ लेट अस गो टू ड्रॉ अ ग्राफ, लेट अस गो टू ड्रॉ अ ग्राफ एंड दैट ग्राफ विल बी इन बिटवीन द डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। सो डिफरेंट फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, दिस ग्राफ इज गोइंग टू बी, सो राइट द टॉपिक, द टॉपिक इज दैट टॉपिक, एक ग्राफ हम सिंपली ड्रॉ कर रहे हैं। दैट ग्राफ इज बिटवीन अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स टू द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का जो ग्राफ है वो हम लोग को देखना है। तो ये हो गया भाई कैपिटल एफ हमारा, और ये हो गया हमारा स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ के बीच का हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, देखते हैं कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, डेट इज द बेसिकली द ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स। द रीजन फ्रॉम ओ टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ए वेयर द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस रीजन इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टैटिक फ्रिक्शन। हियर द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग। The topmost point of this force is the maximum value of static friction, that is called the limiting friction. And after that, those points which are below the A, these points from B to C, this region is going to denote about the kinetic friction. Okay, so here we have three zones, O to A, A and B to C. हमारे पास तीन zones हैं, O से A, A and B to C. ये variable value है, ये भी हमारे एक तरह से kinetic friction में आएगा, but fixed value नहीं हो पाता, थोड़ा सा change होता है, थोड़ा सा घट जाता है।
मतलब शुरू में फ्रिक्शन फोर्स जीरो रहता है जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करोगे और जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स भी उसी रेशियो में बढ़ता है, और क्योंकि उसी रेशियो में बढ़ रहा है तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। सो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो जोन है, सॉरी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो जोन है, ये जोन हमको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। एट अ पर्टिकुलर लिमिट दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, और बेसिकली इट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। The maximum value of friction force is called limiting friction. After that, the friction starts to decrease a bit. कुछ decrease होता है. The friction starts to decrease a bit. Okay. And then it remains constant throughout. यहाँ इसके बाद ये values, जब objects motion में आ जाता है तब friction force घटना बढ़ना छोड़ देते हैं, उसके से फ्रिक्शन ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। तो आफ्टर दैट रीजन, दिस न्यू रीजन वेयर द फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट बिकम्स, यू कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट, दिस रीजन इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन रीजन। यहाँ पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब फोर्स बढ़ाते जाओ फ्रिक्शन नहीं बढ़ने वाला ना ही घटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सिचुएशन, यहाँ तक हमारा ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, so for the now we are going to end the topic here. Now on the next day we should start with the next topic, and that topic should be the angle of friction, the angle of repose, and various work done on moving the various numericals related to the friction. Okay, so we'll join tomorrow, on Monday to start with the new topic. Okay, tab tak ke liye milte hain next class mein.